मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आम की खट्टी मीठी लौंजी, मीठी चटनी या फिर इसे गुरम्मा भी कहते हैं की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह देखने में जितना डिलीशियस लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। गर्मियों में आम की ये खट्टी मीठी लौंजी ना बने तो गर्मियाँ सुनी सुनी सी लगती हैं। आम की यह खट्टी मीठी चटनी देखने में जितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी और बनाने में एकदम आसान है। यह बहुत ही हेल्दी होता है और इसे एक बार बना करके आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए आम की खट्टी मीठी लौंजी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। आम की लौंजी बनाने के लिए हमने 1 किलो मीठी किस्म की केरी ली है। आप लंगड़ा, दशहरी, बादामी, केसरी, चौसा, कोई भी मीठी क्वालिटी वाले कच्ची केरी ले सकती हैं। मीठी किस्म की केरी अगर आप लेंगी तो इससे आपको गुड़ और चीनी का प्रयोग कम करना पड़ेगा और साथ ही इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो यहाँ पर हमने 1 किलो कच्ची केरी ली है। यह मीठी क्वालिटी का है और हमारे घर के पेड़ का ही है। तो हमने 2 घंटे के लिए पहले आम को भिंगा के रख दिया था ताकि आम की जो भी गर्मी हो वह निकल जाए। और साफ़ पानी से इसे हमने धो करके पीलर की हेल्प से इसका छिलका उतार लिया और इसके पल्प को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया और जो गुठली के पास भी थोड़े पल्प बचे रहते हैं उसे भी हमने निकाल लिया है। तो हमने सभी आम के पल्प को लंबे पीसेस में कट करके रख लिया है। और अब हम गैस पर एक पैन को गर्म कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल लेते हैं और साथ ही हम 1 टेबल स्पून पचफोरन डाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा सौंफ, कलौंजी, थोड़ी सी मेथी दाना, जीरा और अजवाइन है। पचफोरन का वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो फोरन हमारा क्रैकल हो जाता है तो इसमें हम 1/4 चम्मच हींग डाल देते हैं। आम के पीसेस को इसमें हम डाल लेते हैं और 1-2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें 1 कटोरी पानी डाल लेते हैं। 1/2 टीस्पून नमक डाल लेते हैं। नमक डालने से यह अच्छे से गल जाता है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेते हैं। यह कम तीखा होता है और इससे अच्छा कलर आता है। तो सभी चीज़ों को मिक्स करके हम इसे ढक देते हैं। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, 4 मिनट में यह पक जाता है बहुत अच्छे से। तो 4 मिनट हो चुके हैं और अब हम आम के पल्प को 1 स्पून से दबा करके देखते हैं। यह आसानी से कट जा रहा है और इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो यहाँ पे मैं 2 कप कटे हुए गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ मिलाने के बाद एक बार हम इसे चला लेते हैं और फिर ढक्कन लगाकर कुछ देर के लिए पकने के लिए रख देते हैं ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और आम भी अच्छी तरह से पक जाए। गुड़ इस समय देखिए घुल चुका है अच्छे से। तो एक बार आप इस टाइम पे थोड़ा सा चेक कर लीजिए, मिठास अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा गुड़ और ऐड कर सकती हैं। और अब हम इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे। और हमारी चटनी की थिकनेस आप देखिए, यह अच्छे से पक चुकी है और इसकी थिकनेस भी परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद यह थोड़ा सा और थिक होता है। तो गैस फ्लेम हमने बंद कर दिया है और इसे हम ढक करके 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारी चटनी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। और अब हम इसे 1 सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। वाह,
कितनी बढ़िया हमारी आम की खट्टी मीठी लौंजी बन करके तैयार हुई है। यह खाने में भी बहुत अच्छा है और यह खट्टा मीठा तीखा चटपटा टेस्ट का बना हुआ है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे हमने बहुत ही आसानी से बना करके तैयार किया है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।